दोस्तों आप पीछे बैकग्राउंड पर मैं ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों वह बैकग्राउंड पिछला वाला ही चल रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी परचेज करने में 1 हफ्ते 2 हफ्ते टाइम लेगा और तभी आएगा, तो मैं ग्रीन स्क्रीन पूरा यूज करूंगा, पीछे पूरा इफेक्ट रहेगा। तो अभी बहरहाल इसे चला लीजिए दोस्तों, मैं इसके लिए बहुत ही दुखी हूँ और आपसे माफ़ी चाहता हूँ बैकग्राउंड जो ख़राब चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊँगा कैसे आपका चैनल ग्रो हो सकता है और आपकी वीडियो कैसे रैंक कर सकती है। पिछले 2-3 वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ से नहीं समझ पाते हैं और वहाँ कमेंट कर देते हैं कि आप हमको बताइए कैसे वीडियो रैंक करेगी और कैसे चैनल ग्रो होगा। तो इस वीडियो को आपको इसमें 2-3 टिप्स समझाई जाएगी और 2-3 टिप्स को अगर आप फॉलो करते रहेंगे निरंतर, तो आपकी वीडियो रैंकिंग में जाएगी ही और चैनल भी आपका बहुत अच्छे से ग्रो होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उसके पहले अगर आपने माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए, आपकी वीडियो के बनाने का तरीका ही अलग होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमारा बैकग्राउंड अभी ख़राब चल रहा है, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको जो वीडियो की रैंकिंग है वहीं से ही घटना शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों आप जब भी कोई व्यक्ति वीडियो को देखता है तो वहाँ पर पीछे तुरंत आपके पीछे वाला पोर्शन को देखते हैं यहाँ पर कि आपका बैकग्राउंड कैसे चल रहा है, मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पर बहुत ही खराब लग रहा है पीछे तो। लेकिन आप अगर पूरा प्लेन, जैसे कोई दीवार प्लेन हो या कोई ग्रीन स्क्रीन कोई यूज कर ले, कोई पर्दा हरा यूज कर लेंगे, तो वहाँ पर आपकी बैकग्राउंड जो होगा चलने लगे। जैसे कि मैं पहले जब वहाँ था गुजरात में गया था, तो वहाँ पर मुझे वॉल मिल गया था, वो वाइट था और वहाँ पर मैं वीडियो शूट करता था, तो उसमें वीडियो की रैंकिंग बहुत अच्छी आती थी, क्योंकि दोस्तों देखने में ही अच्छा लगता है और लास्ट वीडियो कब ख़त्म हो जाएगी उसको देखने वाले को पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ सभी को अपना वहाँ पर सबसे पहले आप खरीद लीजिए। जैसे मैं जल्दबाजी में पहले चैनल बना लिया था तो मैं कुछ भी वहाँ पर चीज़ नहीं किया था, पीछे बैकग्राउंड क्या लगेगा, कहाँ बनाऊँगा वीडियो, ये सब मैं पहले सोचा ही नहीं था 2018 में जब मैं चैनल बनाया। लेकिन अब दोस्तों मैं सोचता हूँ पहले खरीद लिया होता तो चैनल मेरा अभी तक बहुत अच्छा ग्रो हो जाता। तो मैं सोचा चलने दीजिए, अब क्या होगा, अब धीरे धीरे खरीदते ही रहेंगे और चैनल जो शुरुआती है स्टेट पर चलता ही रहेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं बार बार जो देता हूँ निवारण करने के लिए देता हूँ, वीडियो रैंक करने के लिए हमेशा समझाता रहता हूँ कि ये सब टिप्स से पहले याद कर लेनी चाहिए, क्या क्या उसमें लगेगा, चैनल क्या चैनल बनाने वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए क्या क्या वहाँ पर लगेगा, पहले उसको परचेज कर लीजिए। जैसे कि स्टैंड हो गया, माइक हो गया छोटा सा, तो स्टैंड आप ज़्यादा महंगा ना लीजिए, 400 रुपये का ले लीजिए, और माइक जो होता है बोया ले लीजिए, नहीं तो आप अपने मोबाइल के माइक से भी काम चला सकते हैं, आपने यहाँ पर नीचे कार में लटका लीजिए और आप बोलते चले जाइए तो आपका हो जाएगा। हैंड अगर स्टैंड खरीदने के पैसे नहीं है तो आप हाथ में लेकर वीडियो बनाइए, काफ़ी लोग करते हैं, सभी बड़े यूट्यूबर काफ़ी बड़े यूट्यूबर करते हैं, ऐसा ही अभी चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आपके पास हुनर जो है उसको साबित कीजिए, आप डरे ना वीडियो बनाने में, थोड़ा सा भी हिचक ना करें। अगर आपको डर ही लगता है किसी के सामने बोलने का तो आप अपने कमरे रूम पर ले चलिए और वहाँ से अपने वीडियो को शूट करिए और देखिए दोस्तों धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा आपके रूम से ही। वहाँ धीरे कैमरे के सामने आप कुछ दिन डरेंगे, 1-2 महीने डरेंगे, उसके बाद आप इम्प्रूव अपने आप ही होता चला जाएगा और आप फिर बाहर भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे वहाँ पर ऐसे वीडियो धीरे धीरे रैंक होगी। जब आप डरते रहेंगे तो आपकी वीडियो को ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे कि यार ये तो डर रहा है, तो आपकी वीडियो से स्किप कर देंगे। लेकिन आपके अंदर जैसे जैसे इंप्रूव आएगा वैसे वैसे आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी और आपके पास उतने भी वहाँ पर जनता आएगी और आपकी वीडियो को देखेगी। तो देखिए दोस्तों देखते सब हैं और लेकिन वॉच टाइम के ऊपर होता है कि आपकी वीडियो की रैंकिंग कहाँ तक जा रही है। जब आपकी वॉच टाइम शुरुआती से ही ख़राब होती रहेगी तो आप यूट्यूब आपकी वीडियो को ज़्यादा दूर तक नहीं भेजेगा, लेकिन जब वीडियो में वॉच टाइम ज़्यादा आने लगेगा तो यूट्यूब की रैंकिंग दूसरी स्टेज में जाएगी और वहाँ के व्यक्ति भी अगर देखें तो वहाँ से भी वो रैंक में चलने लगेगी। तो इससे वीडियो वायरल होने का बहुत ही अच्छा वहाँ पर मिलता है इम्प्रूव। तो देखिए दोस्तों ये वाला पहला टिप्स है कि आप इसको सुधार करिए। लेकिन दूसरा टिप्स है, तो दूसरा टिप्स आपको समझाना ही बहुत ही अच्छी है दोस्तों, लेकिन आपके ऊपर वो साबित होता है कि आप कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे। देखिए दोस्तों आप वीडियो दिन में एक बनाइए, 2 दिन में एक बनाइए, 1 हफ्ते में एक बनाइए, लेकिन वीडियो बनाने का नियम आप बना लीजिए। ये नहीं कि 1 महीने में एक वीडियो बना लिए, 2 महीने में 2 वीडियो बना लिए। जैसे मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूँ कि अगर आप जब तक ये नहीं निर्णय करेंगे कि हमको कितने दिन में कितनी वीडियो अपलोड करना है यूट्यूब पर, तब तक आपके चैनल की रैंकिंग नहीं बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर
जब भी कोई व्यक्ति देखता है तो जब उसको वीडियो आपकी चैनल की वीडियो अच्छी लगने लगती है तो देख लेता है कितने दिन में वीडियो अपलोड करता है, कब इसकी वीडियो आती है, वो समय ढूंढना लगता है। लेकिन जब आपका समय निश्चित नहीं रहेगा तो कब वीडियो देखेगा उसका कोई पता नहीं है। जब आप वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं वो सोच रहा है कि यार शाम को अपलोड होगी, और शाम को जब देखेगा आपकी चैनल वीडियो नहीं दिखेगी, तो ऐसे में आपकी वीडियो की रैंकिंग नहीं होती सही से। अगर आप जब तक समय नहीं बनाएंगे अपनी वीडियो अपलोड करने का, तब तक आपकी वीडियो में रैंक कभी नहीं आ सकता है। आप देख लीजिएगा, आप जैसे ही आप अगर आप अभी वीडियो की रैंकिंग बढ़ाने के लिए बहुत ही बेचैन हैं और आप समय नहीं निश्चित कर रहे हैं और आप उल्टे से समय कर रहे हैं और हमारे जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं करेंगे, तो आपकी वीडियो की रैंकिंग तब कभी नहीं सही होगी, आपकी चैनल की रैंकिंग नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, चैनल बनाने के बाद अपना आप समय निश्चित करिए, आपके पढ़ने का समय कुछ दूसरा हो, और आप जब बाहर निकलते हों, पार्ट टाइम करते हों, जैसे कि आप पढ़ाई के बाद और भी कुछ काम करना चाहते हों, तो उसी बीच में इसको भी रख लीजिए, वही टाइम हमेशा बनाए रखिए। और हमेशा बनाए रखेंगे तो आपको चैनल की भी रैंकिंग अच्छी रहेगी और कि पढ़ाई की रैंकिंग भी अच्छी रहेगी। तो दूसरा टिप्स ये हुआ दोस्तों कि आप समय ही निश्चित करे रहिए अपने वीडियो बनाने का और अपने वीडियो अपलोड करने का। तो दोस्तों मैं हमेशा ये कहता हूँ, जैसा कि आपको समय मिलता है, अगर पढ़ाई के समय भी आप अपलोड कर सकते हैं, अपलोड पर लगा दीजिए, अपना पढ़ते रहिए और अपलोड के लगाने के बाद उसको शेड्यूल कर दीजिए कि इसके इतने टाइम में अपलोड होगी, और जब शेड्यूल कर रहेंगे तो आपको कोई डर नहीं होगा। चाहे प्राइवेट कर दीजिए अपलोड करने के बाद, प्राइवेट कर देंगे जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे तब तक आपकी वीडियो पब्लिश नहीं होगी, शेड्यूल कर देंगे तो आपका समय वहां पर फिट हो जाएगा, जितने समय वहां पर शेड्यूल कर रहेंगे उतने समय वहां पर पब्लिश होगा। तो ये दूसरा टिप्स भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये वीडियो की रैंकिंग बनाने में 100% गारंटी देता है, क्योंकि दोस्तों मैं खुद इसको यूज किया हूँ और मैं बेनिफिट पा रहा हूँ। और तीसरा टिप्स है दोस्तों आपके चैनल के वहाँ पर वीडियो की टाइटल डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जो शुरू में चैनल बनाते हैं टाइटल ना सही से देते हैं, जो मन में आया उसे झोंक दिए, और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद उसमें कुछ लिखा ही नहीं रहता कि हाँ उसमें लिखा रहता है प्लीज़ माई चैनल सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करिए आपको वीडियो रोजाना मिलेगी, ये सब लिखे रहते हैं उल्टा सीधा, जो देखने के बाद जो व्यक्ति देखता रहता है वो स्किप करके वीडियो को चला जाता है। सबसे पहले आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन को सही तरह से सुधार लीजिए, अपने कॉपी में कहीं लिख लीजिए कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। आप देख लीजिए कई वीडियो को, कई बड़े यूट्यूबर की वीडियो को देखिए और उनके डिस्क्रिप्शन तो देखिए, और उसे डिस्क्रिप्शन को आप कॉपी करिए अपने मन से और दूसरा अच्छे से बनाकर उसको आप अपने रैंकिंग में लगाइए। तो ऐसे करेंगे दोस्तों तो आपका डिस्क्रिप्शन भी अच्छा बनेगा और देखने वाले को भी देखिए मेरा डिस्क्रिप्शन कैसे कितना लॉन्ग है, मतलब दोस्तों आप देखते चले जाएंगे नीचे तक, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन ही डिस्क्रिप्शन, उसमें बताया स्टेप बाय स्टेप है कैसे वीडियो क्या है, उसमें क्वालिटी कितनी है, सब मैं वीडियो में देखता हूँ, प्लेलिस्ट कितनी बनी है वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा मैं लिख दिया हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें देखने वालों को भी आसानी होगी, जैसे कि आपका प्लेलिस्ट देखना होगा किसी को तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वो प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी है क्या क्या नाम है मैं लिखा हूँ वहाँ पर क्लिक कर देंगे तुरंत वहाँ पर प्लेलिस्ट पर चले जाएंगे। तो इसी प्रकार आप भी डिस्क्रिप्शन बनाए जो देखने वाला हो उसको आसानी हो, जिससे वो वीडियो और देरी तक वॉच करे आपकी। तो यही तीन स्टेप आप फॉलो करिए, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपकी वीडियो कैसे नहीं वायरल होगी, मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों आप कमेंट करिएगा कि कैसे नहीं वायरल हो रही है, मैं आपको और दो तीन टिप्स देने वाला हूँ। दोस्तों जो लोग भी कमेंट करते हैं कि आप हमें कुछ स्टेप बताइए कि कैसे वीडियो वायरल होगा, तो उन लोगों के लिए वीडियो दोस्तों बहुत ही खासकर वीडियो है आप सबके लिए, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत दिन से कह रहा था कि वीडियो बनाऊंगा एक क्वालिटीदार, लेकिन बैकग्राउंड नहीं सही था इसलिए नहीं बना पा रहा था, लेकिन ये वाली वीडियो है और इसके बाद भी ग्रीन स्क्रीन आने के बाद भी एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ही अच्छी रहेगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वो भी वीडियो देगी, ये बेनिफिट देगी साथ में वो भी बेनिफिट देगी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपकी वीडियो बहुत जल्दी वायरल होगी और साथ में दोस्तों मैं भी फॉलो करूंगा, जो इन तीन स्टेप में मैं नहीं फॉलो कर रहा हूं वो भी मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं देखा था और मैं यूज किया था तो मैं सोचा कि आपको भी बता दूं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे इंटरेस्टेड वीडियो और ऐसे नाजिल वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दृश्य में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।